चलो जी। चुप हो जा भाई, क्यों रो रहा है? चुप हो जा, रोवा ना, रोवा ना दोस्त, रोवा ना। चार दिन हो गए जी, पैसे नहीं दे रहा है मेरा फोरमैन। क्या मैंने रघुवीर, अपना नाम बताओ दोस्त। अमित। असंत में क्या कर रहे हो यहाँ? यहाँ सेलर में काम किया था ही। जी कौन सा सेलर है? एक कन्हैया राइस मिल। तो मालिक नहीं पैसे दे रहा है या कोई और ठेकेदार? नहीं, मालिक ने तो उसको दे दिया है, ठेकेदार नहीं दे रहा है। कौन है ठेकेदार? रघुवीर। तो पिछले चार दिन से यहाँ भटक रहे हो? चार दिन से भटक रहा हूँ, अभी कह रहा है 4 बजे दूंगा, अभी आपके पास गया था बोला 4 बजे दूंगा। पुलिस को शिकायत दे चुके हो? हाँ जी। तो क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? अमित नाम है जी मेरा। कहाँ के रहने वाले? फरकाबाद जिला का रहने वाला हूँ। बाल बच्चे यूपी? हाँ जी, बाल बच्चे मेरे राजस्थान सिंगरिया मंडी में वहाँ बड़े रो रहे हैं जी। वो कह रहे बार बार 50 नंबर फोन आ चुके हैं, बोलते हैं आ जाओ पापा आ जाओ। कहाँ पैसे नहीं मिल रहे? पैसा दे ही नहीं रहा है जी। कब आए थे आप यहाँ? मैं 4 दिन हो गए, चौथे दिन आया था। काम किया था यहाँ? यहाँ सेलर में फिटरी किया था। काम करता? हाँ जी। ये तो वो है फिर टेक्नीशियन। टेक्नीशियन है। कितना कितनी तनख्वाह थी तेरी? 18,000। अच्छा, स्किल्ड है ये तो। तो अब क्या कह रहा है? पुलिस में जा चुके हो, अब भी बार बार टाल रहा है? टाल रहा है जी, अभी आपके सामने इधर चला गया, असंध में गया है जी। अब मेरे को बोला 4 बजे दूंगा पहले। फोन नंबर है उसका? हाँ जी। फोन नंबर है? हाँ जी। बातचीत फोन मिला? मिला फोन। क्या कह रहा है देखते हैं। बाबूजी क्या मामला है? बाबूजी क्या मामला है? ये बेसिकली अपने आप को, हम तो यहाँ से निकल रहे थे और ये सड़क किनारे रो रहा था, जो हम भी यहाँ पर रुक गए हैं। तो इससे पहले भी इसने हमसे संपर्क करने की कोशिश की थी पुलिस स्टेशन में, लेकिन अब ये बेचारा परदेशी आदमी है, यहाँ रो रहा है पैसे के लिए, कह रहा है कि ठेकेदार इसके पैसे नहीं दे रहे। देरा जींद रोड की ऐसी मालिक से बात हुई थी, मालिक ये बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, तुम आपस का मामला आपस में सुलझो जाके। नहीं क्यों कुछ नहीं कर सकते? आपके यहाँ काम भी तो किया मैंने। काम किया था मैंने, कहा था आप उनसे बोल दो बाबू जी पैसे दिला दो मेरे। वो बोलते है मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ जी। कहाँ के? मालिक असंध के है रहने वाले। कितना पैसा है कुल मेरा जी? 7,000, 5,700 और 900। 6,000। हाँ जी, इतना पैसा है जी। 8,000। मालिक का क्या नाम है? मालिक का नाम नहीं पता, उनके जो बेटा है उनका नाम साहिल है। मिलाओ जरा, ठेकेदार से नंबर मिलाओ, फोन मिलाओ। हेलो, इस बीच तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि इन तस्वीरों को जितना अधिक हो सके शेयर जरूर करें। बल जा रही है? हाँ जी। स्पीकर ऑन कर ले। अरे बल तो बातचीत होने दे। नहीं उठा रहा फोन, नहीं उठा रहा, नहीं उठा रहा। तो अभी समस्या क्या आ रही है आपको? समस्या यही आ रही है मेरे को, अभी निकलना है घर के लिए। अच्छा। बच्चों के पास जाना है। पैसे के बिना जा नहीं सकते? और पैसों के बिना जा नहीं सकते हम। कुछ खाया पिया कि नहीं सुबह से? नहीं खाया सुबह से। रोड कहाँ रोटी अच्छी लगती है ऐसे में? पुलिस में शिकायत की आपने? हाँ, दरखास्त दे के आया था पुलिस में। क्या नंबर है घटना? पुलिस वाले क्या बोले? पुलिस वाले तो कुछ नहीं बोले जी। नंबर 8 9 8 9 30 30 51 51 20 55। बाबू जी तो डिटेल बता दो एक बार। आजा भाई इधर आजा। नाम फिर से बताइयो। नाम फारुखाबाद जिले का रहने वाला है, बच्चे इसके राजस्थान में है। पिछले 4 दिन से अपनी मजदूरी के लिए जो है ठेकेदार के पीछे पीछे घूम रहा है ऐसा इसका कहना है। और ये कह रहा है कि सुबह से इसने कुछ नहीं खाया, बल्कि कई दिन हो गए जब से 4 दिन से यहीं पड़ा है, भटक रहा है ये शख्स। और फिलहाल ठेकेदार जो है संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा। 4 बजे का समय जरूर दिया था, लेकिन इसको अब राजस्थान के लिए निकलना है दोस्त। हाँ जी। बच्चों के लिए, बच्चों के पास जा रहे हैं। हाँ जी। कहाँ बताया? नीति नहीं है। संगरिया मंडी। संगरिया मंडी।
बार बार फोन कह रहे आ रहे हैं बच्चों के कि पापा आ जाओ, लेकिन इसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि बस में चढ़ के यहाँ से जा सके। ये सड़क किनारे यहाँ पर जीत रोड पर ये आ गए ठेकेदार जी। क्या नाम है, क्या नाम है भाई? रघुवीर है। रघुवीर कहाँ से है? राजस्थान से। राजस्थान से इसके पैसे क्यों नहीं दे रहा? अब इसको चार बजे का टाइम दे रहा है, चार बजे का टाइम दिया था, नोट पढ़ के आओगे? हाँ वही तब जब ले आऊंगा, अभी दे दूंगा। इसका हिसाब कर सर। हाँ कर लो भाई। ठेकेदार यहाँ तेरे को पहुंच चुका है। एक मिनट, तेरे को मैंने अभी बोला था ना, तू मेरे पास आगे था। हाँ मुझे चार बजे पैसे लीजिए। तेरे पास थाने से भी फोन आया था ना? तेरे पास थाने से फोन आया था? चार दिन से यही बोल रहे हैं। पुलिस वाले अंदर को फोन किया, क्या कहा इसको भेज दे, शाम को दे दूंगा। चार दिन से यही बात बोल रहे हैं, चार बजे दे दूंगा, तीन बजे दे दूंगा। कल ये बोले थे मेरे पे नौ बजे पैसा ले जाना। ये भी राजस्थानी है। पुलिस आएगी। कितना पैसा निकला? 6,600 है। डेढ़ दिहाड़ी का छोड़ रहे हैं जी ये। अच्छा, डेढ़ दिहाड़ी का नहीं दे रहा है। पैसा दे अभी, एक दो मिनट लगा मुझे। ले आ, जा अभी आ जाऊँ। ले आ, ले आ, ले आ, साथ के दिखाते हैं कितने दे दिया। ये ठेकेदार फिर पूछ के यहाँ पहुँच चुका है। अब इसका कहना है कि इसके पैसे चुका देगा भाई। आप और लेकिन आप कहाँ से हैं? मैं जोड़ी से। अच्छा, तो जैसे मजदूरों की मजदूरी रख ली जाती है, गलत है? गलत है। नाम बताइए। मनीष है जी। मनीष, वैसे क्या करते हैं आप? मैं ट्रक पर चलाता हूँ सेलर में। तो देखो आप भी चलाते हो सेलर में, तो मजदूरी तो मिलनी चाहिए ना टाइम से। अब ये बेचारा दूर का है। ये परदेशी आदमी पिछले चार दिन से भूखा तसाया यहाँ घूम रहा है सड़कों पे, टेंशन से 5 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर ये भटक रहा है। पहले थोड़ी देर पहले पैदल थाने में गया, फिर पैदल यहाँ आया हुआ है। तो क्या अपील करना चाहोगे हमारे दर्शकों से? गलत बात है जी, पैसे देने चाहिए। मजदूर तो आदमी कहाँ जाएगा जी? बता। तो इस शख्स को न्याय मिले इसके लिए। इतना दूर क्यों जाते हो अपने एरिया से? मैं पंजाब में ही रहता था जी पहले। मेरा आधार कार्ड, वोटर कार्ड सारा कुछ पंजाब में ही, बचपन का ही वहीं रहता हूँ मैं। मेरे और भाई भी उधर ही रहते हैं, इसलिए मैं उनके पास चला गया था बच्चों को लेके। मैं कहा चलो वहाँ देख रेख भी हो जाएगी, मेरे बच्चे भी संभल जाएंगे, इसलिए गया था वहाँ। चलो कोई पता क्या भाई, छोटे भाई हम कहेंगे अपने अपने एरिया में काम करो आप, चाहे दो पैसे कम कर लो, एक तो बच्चों के पास रहोगे, एक खुश रहोगे, रहोगे ना, आपके पैसे मिलने लगे। हाँ, पैसे मिले भाई, मिलेगा दोस्त। दो तुम्हारे साथ बीत चुकी है, बीत चुकी है। हाँ। अब तेरे पैसे मिल जाएंगे, खुशी खुशी आप यहाँ से बस पकड़ के बच्चों के पास जाए इसके लिए, ठीक है ना? हौसला रख, नजदीक काम कर, अपने बच्चों के पास रहे, 2 रुपए कम में काम कर ले, सूखी इल्ली अपने खा गए, अपने बच्चों के पास रहे, इन डकैतों के पास मत आओ इतनी दूर। चलो जैसे ही आता है दोबारा फिर से लौटेंगे, देखते हैं इस शख्स को न्याय मिलता है अथवा नहीं। जल्द हाजिर होंगे इसी शख्स के लिए। एक और तस्वीर लेकर, तस्वीर के लिए।